इन दिनों दो चर्चाएं सोशल मीडिया पर जोर से फैली हुई हैं। एक ये कि अडानी ग्रुप जल्द ही एनडीटीवी को खरीदने वाला है और दूसरी ये कि अडानी द्वारा खरीदे जाने के बाद रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन रवीश कुमार द्वारा इस्तीफे की खबर तो झूठी निकली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। रवीश कुमार ने इस्तीफे की अफवाह को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं भी पता कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा किसने दिया, मैंने ही दिया या इसकी कहानी लिखकर हिट्स उड़ाने वालों ने दिलवा दिया। जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, लगता है उनके पास उड़ाने के लिए पैसे नहीं है। कृपया इस बारे में मुझसे सही जानकारी न मांगे, पहले गलत फैला दो फिर मुझी से पूछो कि गलत है या सही। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि जनसत्ता ने ये अफवाह छापी है या नहीं। मेरे बारे में कुछ भी छाप कर हिट्स कमाने वाला जनसत्ता क्या कर रहा है। रवीश ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, बाकी रिलैक्स करें दोस्तों, नौकरी की हालत देश में बहुत बुरी है सभी के लिए। आपके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्यारे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा कर कर रखा है। इसमें अब पहले जैसी ना तो नौकरियां हैं और ना ही सैलरी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हो जाएं, बिल्कुल नहीं। जब लगे कि भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होता तो अतीत को ठीक करने में लग जाएं। महापुरुषों की मूर्ति या स्मारक बनाने के नाम पर अतीत के गौरव की बहाली में जुट जाएं। अच्छा टाइम कटेगा, उसके बाद भी मन दुखी हो तो नेहरू के मुसलमान वाली मीम सामने रखें और मुसलमानों को क्या करना चाहिए उस पर विचार करें। इस काम में इतनी खुशी मिलेगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। महापुरुष और मुसलमान, आपके पास खुश होने के दो दो फैक्टर्स हैं, बस एक नौकरी नहीं है तो इसे लेकर क्यों दुखी होना। वहीं एनडीटीवी ने अडानी समूह द्वारा कथित तौर पर अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेने की योजना की अफवाहों के बीच एक बयान जारी किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी थी कि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप खरीदेगा, जिस कारण टीवी चैनल के शेयर्स की कीमतों में सोमवार को भारी उछाल भी देखने को मिला था। जैसे ही अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ी तो लोगों ने रवीश कुमार सहित चैनल के अन्य पत्रकारों के भविष्य के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया था। एनडीटीवी ने एक बयान में कहा था कि एनडीटीवी लिमिटेड अब स्वामित्व में बदलाव या किसी भी प्रकार के विनिवेश के लिए किसी भी इकाई के साथ चर्चा में नहीं है। संस्थापक प्रवर्तक राधिका और प्रणय रॉय, जो दोनों पत्रकार हैं, कंपनी के 61.45% के मालिक हैं और इसके नियंत्रक भी हैं। एनडीटीवी के पास इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि शेयर्स की कीमत में उछाल अचानक क्यों आया है। बयान में आगे ये भी कहा गया कि मीडिया समूह निराधार अफवाहों को नियंत्रित कर सकता है, ना ही ये निराधार अटकलों में भाग लेता है।